प्रोग्राम चेक द गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। मीन्स इस प्रोग्राम का भी लॉजिक कैसा है, ऑलमोस्ट सेम है लॉजिक ऑफ रिवर्स द गिवन नंबर। मीन्स अभी मैंने सिंपली प्रोग्राम राइट डाउन किया सेम है रिवर्स द गिवन नंबर्स, देन इस केस में थोड़े से लिटिल मॉडिफिकेशंस परफॉर्म कराएंगे, इसको कन्वर्ट करना पॉसिबल इन द फॉर्म ऑफ चेक द गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। सबसे पहले चेक करते हैं पैलिंड्रोम नंबर का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। अगर कोई भी नंबर, इफ एनी नंबर इज सेम एज रिवर्स ऑफ दैट और रिवर्स ऑफ इट, इस अगर कोई भी नंबर इसके रिवर्स के इक्विवेलेंट है देन नंबर्स को कंसीडर करेंगे ऑलवेज पैलिंड्रोम नंबर। फॉर एग्जाम्पल वी आर एंटरिंग सम नंबर इज 4114, दिस इज योर एक्चुअल नंबर, देन इसके केस में इसके रिगार्डिंग में कैलकुलेट क्या करेंगे, इट्स रिवर्स, इसका रिवर्स क्या आएगा 4 देन 1 देन अगेन 1 देन 4। मीन्स इस केस में इसके जस्ट बाद अगर चेक किया जाए नंबर इक्वल रिवर्स और नॉट, मीन्स करंट केस में नंबर का ओरिजिनल वैल्यू और रिवर्स वैल्यू दोनों कैसे एग्जैक्टली सेम, क्योंकि नंबर के केसेस में भी क्या है 4114 एंड रिवर्स के केस में भी क्या है एग्जैक्टली 4114, दोनों ही वैल्यू कैसे सेम, मीन्स देयरफॉर दिस नंबर इज पैलिंड्रोम नंबर्स। देन नेक्स्ट केस, अदर केस टेस्ट करते हैं इस केस में, मीन्स नंबर्स के केस में डिजिट्स कितने भी हो सकते हैं, एनी नंबर ऑफ डिजिट्स, मीन्स नंबर में कंटेंस ओनली सिंगल डिजिट। फॉर एग्जाम्पल वी आर एंटरिंग 7 के केसेस में अगर इसका रिवर्स निकालोगे तो रिवर्स भी क्या आएगा ऑल्सो 7, दोनों ही कैसे सेम, मीन्स एनी सिंगल डिजिट नंबर ऑलवेज कंसिडर होगा एज अ रिवर्स नंबर्स। नेक्स्ट वन, इफ यू आर एंटरिंग 151 अगेन इसका रिवर्स क्या आएगा 1 देन 5 देन 1 अगेन ये नंबर कैसे सेम, देयर फॉर ऑल्सो रिवर्स नंबर। यू आर टेस्टिंग वन मोर इनपुट समथिंग 1 2 3 4, इस केस में नंबर रिवर्स मीन से इस नंबर का टाइप क्या है पैलिंड्रोम और नॉट, चेक इट, इस केस में इसका रिवर्स क्या आएगा 4 3 2 एंड 1, इस फर्स्ट केस में नंबर क्या है 1234 और इसका रिवर्स वैल्यू क्या है 4321, बोथ आर सेम और डिफरेंट, डिफरेंट देयर फोर नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। मीन्स फाइनली पैलिंड्रोम नंबर के केस में आपको टू इनपुट्स रिक्वायर्ड है, नंबर एंड रिवर्स। नंबर आप कीबोर्ड से एंटर कराओगे सेम एज प्रीवियस केसेस, लेकिन रिवर्स मैनुअली नंबर के बेसिस पर या नंबर के ओरिजिनल वैल्यूज के बेसिस पर कैलकुलेट क्या करेंगे रिवर्स। मैं आपको पता होना चाहिए जब रिवर्स नंबर कैलकुलेट करते हैं या रिवर्स कंप्लीटली कैलकुलेट हो जाएगा उस केस में नंबर का वैल्यू क्या हो चुका होगा 0, क्योंकि व्हाइल का कंडीशन कब फॉल्स होता है जब नंबर ऑलरेडी 0 हो चुका है, और नंबर 0 हो चुका है देन कंप्लीटली रिवर्स किस फॉर्म में आ चुका है, इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट वेरिएबल रिजल्ट और समथिंग रिवर्स। लेकिन इस केस में इसके जस्ट बाद जब आप कंपेरिजन करने के लिए ट्राई करोगे नंबर इक्वल्स टू रिवर्स, देन इस केस में प्रॉब्लम क्या है रिवर्स में क्या फॉर्म हो रहा है करस्पॉन्डिंग 4321, ठीक है नंबर ऑलरेडी क्या चुका है 0, मीन्स आप कोई भी नंबर एंटर करो एक्सेप्टिंग 0, रिमेनिंग केसेस में नंबर हमेशा 0 रहेगा लेकिन रिवर्स क्या आएगा ऑलवेज नॉन 0, मीन्स इस केस में कभी भी सेम आने के चांसेस ही नहीं है। मीन्स इस केस में परफॉर्म क्या करना, इस केस में श्योरिटी है जब ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा रिवर्स नंबर का नंबर 0 हो चुका है, 0 होने से पहले आप क्या करोगे जो ओरिजिनल नंबर है ऑपरेशन से अप्लाई करने से पहले, मीन्स रिवर्स और ऑपरेशन अप्लाई करने से जस्ट पहले इस नंबर का वैल्यू किसी एक्स्ट्रा वेरिएबल में असाइन करा लेंगे, समथिंग एक्स्ट्रा वेरिएबल है समथिंग टेम्परेरी वेरिएबल टेम्प। स्कैनएफ फंक्शंस के थ्रू जैसे कीबोर्ड से नंबर एंटर करें नंबर कीबोर्ड से रीड होने के जस्ट बाद इसको कॉपी किस में करा लेंगे टेम्प में, टेम्प इक्वल्स टू नंबर। सपोज दैट इन प्रीवियस केस एंटर्ड नंबर क्या था 1 2 3 4, देन जैसे कीबोर्ड से नंबर एंटर करें 1 2 3 4, आफ्टर दैट रिवर्स के केस में इनिशियल वैल्यू क्या था 0, लेकिन इस केस में एक्स्ट्रा वेरिएबल क्या आपके पास टेम्परेरी, इनिशियल वैल्यू क्या गार्बेज, स्कैनर फंक्शंस के बाद नंबर में क्या समझ चुका 1 2 3 4 और एनी पैलिंड्रोम नंबर समथिंग वी आर एंटरिंग 121, मीन्स ओरिजिनल नंबर क्या 121, इसका 121 कॉपी किस में हो जाएगा टेम्परेरी वेरिएबल टेम्प में 121। उसके बाद जब नंबर्स के लिए ऑपरेशन कंप्लीट होंगे रिवर्स ऑपरेशन देन रिवर्स वेरिएबल में आसान क्या चुका होगा 121, जब कंट्रोल लूप से बाहर जाएगा देन 100% श्योरिटी है इस केस में नंबर का वैल्यू क्या हो चुका है 0, क्योंकि जब तक नंबर 0 नहीं हुआ कंडीशन फॉल्स होने चांसेस ही नहीं है।
देन रिवर्स आपके पास अवेलेबल है रिवर्स वेरिएबल में, लेकिन इसको कंपेयर किससे कराएंगे, नंबर से या टेम्परेरी से, टेम्परेरी से, क्योंकि नंबर का ओरिजिनल वैल्यू अभी भी अवेलेबल किस फॉर्म में है, टेम्परेरी वेरिएबल्स के फॉर्म में। तो इसका भी मीन्स सबसे पहले फर्स्ट केस क्या रहेगा, इस केस में रीडिंग इनपुट्स प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टोटल वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड हैं, 3, एक्स्ट्रा वेरिएबल क्या, टेम्परेरी। नेक्स्ट वन रीडिंग इनपुट्स, देन असाइनिंग ओरिजिनल नंबर इनसाइड टेम्परेरी वेरिएबल्स, देन कैलकुलेटिंग रिवर्स, क्योंकि जब तक आपके पास रिवर्स वैल्यू नहीं होगा तब तक कंडीशन अप्लाई करना पॉसिबली नंबर पैलिंड्रोम में नहीं है। देन रिवर्स कैलकुलेट करने के बाद देन इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ वैल्यू ऑफ रिवर्स, रिवर्स के प्लेसेस पर इसके इसमें प्रोग्राम में वेरिएबल नेम क्या था, रिजल्ट, इसलिए यूज क्या करेंगे, इफ वैल्यू ऑफ रिजल्ट इज इक्वल इक्वल्स टू नंबर और टेम्प, टेम्प क्योंकि नंबर ऑलरेडी जीरो हो चुका है। अगर एक कंडीशन ट्रू हो रहा है देन इसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले करा लेंगे प्रिंट एफ यस नंबर इज पैलिंड्रोम, अदरवाइज चांस किसको मिलेगा, एल्स ब्लॉक को, और एल्स ब्लॉक में डिस्प्ले करा लेंगे प्रिंट एफ नो नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, मीन्स पैलिंड्रोम नंबर के भी ऑपरेशंस कैसे हैं, डिजिट बेस्ड ऑपरेशंस, क्योंकि पैलिंड्रोम नंबर टेस्ट करने के लिए सबसे पहले ओरिजिनल नंबर को रिवर्स कैलकुलेट करना होगा, रिवर्स के फॉर्म में जाए रिवर्स को ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करना पॉसिबल, तो इसके ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करना, ऑलमोस्ट सेम एज